अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हरपल जियो का ड्रामा सीरियल बेलगाम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ना वाली एपिसोड में, आप ये भी देखेंगे कि जब अफनान आता है रमशा के पास और उसे कहते हैं कि मैं बात कर रहा था ना इन सब लोगों से, और ये बात तकरीबन हो ही गई थी कि तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होगी, लेकिन एंड टाइम पर तुमने आकर हाँ कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? ये बात सुनकर कहती है रमशा कि जब आपने मुझे छोड़ दिया था उस वक्त जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं आज इस मकाम पर हूँ। यह बात सुनकर कहता है अफनान कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो या तुम अपनी खुद को सजा दो मेरी गलतियों की। मैंने जो कुछ किया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था। यह बात सुनकर रमशे कहती है कि अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब जो भी मैं नसीब में लिखा है ना वो मुझे मंजूर है। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया है कि अब जो होगा बेहतर ही होगा और मुझे यकीन है इस बात का, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। यह बात सुनकर कहती है अब अफरान कहते हैं कि तुम आखिर इतनी सीधी क्यों हो गई हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये सब लोग तुम्हें किस खाई में फेंकने की सोच रहे हैं? यह बात सुनकर रमशा कहती है कि मैं खुश हूँ ना, तो आपको आखिर क्या मसला है? जब मैंने कह दिया मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। यह बात सुनकर अफनान कहते कि नहीं, मैं उस जलील शख्स के हाथों में तुम्हें नहीं देख सकता, तुम्हें इस वक्त जाकर इनकार करना है, डैड तुम्हारे लिए इनकार कर देंगे और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा जिससे तुम शादी करोगी। ये बात सुनकर कहती है अलीजे कि मेरे लिए तो सब कुछ आप ही थे, लेकिन आपने क्या किया है मेरे साथ, अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, ना ही आप पर, ना ही किसी और पर, और ना ही मैं कोई भरोसा करना चाहती हूँ। मैं जिस हाल में हूँ मैं ठीक हूँ और मुझे इसी तरीके से रहने दीजिए, अब आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर अफनान कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो लीजिए रमशा कहती है कि बस बहुत हो गया, आप जाएं यहाँ से, जो मैंने फैसला करना था वो मैं कर चुकी हूँ, सब कुछ देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।